ये कहानी वर्ल्ड सिनेमा के सबसे बेहतरीन सुपरहीरो आयरन मैन की है। फिल्म का नाम है आयरन मैन 2। इस फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से आयरन मैन फिल्म की कहानी खत्म हुई थी। फिल्म की शुरुआत में वही सीन आता है जिसमें टोनी स्टार्क मीडिया के सामने रिवील कर देता है कि वही आयरन मैन है, और दूसरी तरफ रशिया में एक बूढ़ा आदमी यह न्यूज टीवी पर देखते हुए मर जाता है। इस बूढ़े आदमी का नाम एंटन वनको था और यह एक साइंटिस्ट था जो कि स्टार्क इंडस्ट्रीज में ही टोनी के पिता हावर्ड स्टार्क के साथ काम किया करता था, और इन दोनों ने ही मिलकर आर्क रिएक्टर बनाया था। एंटन वनको इस टेक्नोलॉजी को गलत लोगों को बेचकर पैसा कमाना चाहता था, पर जब हावर्ड स्टार्क को यह पता चला तो उन्होंने एंटन वनको को जासूसी के इल्जाम में फंसाकर अमेरिका से निकलवा दिया और उसे रशिया भेज दिया गया। फिर आर्क रिएक्टर बनाने का पूरा क्रेडिट हावर्ड स्टार्क ने ले लिया। उसके बाद रशिया में एंटन वनको की जिंदगी बड़ी मुश्किलों से बीती। वहां उसने शराब पी कर अपने आप को बीमार कर लिया। एंटन वनको का एक बेटा भी था जिसका नाम इवान वनको था। इवान भी अपने पिता की ही तरह इंटेलिजेंट था, पर बचपन से गरीबी और खराब माहौल में रहने की वजह से वो एक क्रिमिनल बन गया था, और इवान अपनी खराब हालत का जिम्मेदार हावर्ड स्टार्क को ही मानता था क्योंकि उन्हीं की वजह से उसके पिता को देश से निकाल दिया गया, और उसी की वजह से उसके पिता को और उसे गरीबी और खराब माहौल में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपने पिता के मरने के बाद अब वो अकेला हो गया था और अब वो बदला लेना चाहता था हावर्ड स्टार्क के बेटे टोनी स्टार्क से। फिर उसने अपने पिता के बनाए हुए डिजाइन से एक आर्क रिएक्टर बना लिया और उसने उस रिएक्टर से चलने वाला एक सूट बनाया जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। अब दूसरी तरफ अमेरिका में टोनी स्टार्क अपने आयरन मैन सूट की वजह से बहुत ज्यादा फेमस हो गया। पहले टोनी स्टार्क एक बिजनेसमैन के तौर पर फेमस था, पर अब वो एक सुपर हीरो बन चुका था जिस वजह से हर कोई उसका दीवाना था। उसने कई बड़े खतरों से अपने देश को बचाया, पर फिर भी अमेरिकन गवर्नमेंट आयरन मैन के सूट को एक हथियार ही मानती थी, इसलिए वो चाहते थे कि टोनी स्टार्क अपना आयरन सूट यूएसए आर्मी के हवाले कर दे, पर टोनी अपने आयरन सूट को गवर्नमेंट को देने से इनकार कर देता है। फिर टोनी को अपना ब्लड चेक करते हुए दिखाया जाता है जिसमें उसे पता चलता है कि उसके आर्क रिएक्टर की वजह से उसे ब्लड पॉइजनिंग हो रही है, यानी कि उसके खून में जहर फैल रहा है जो कि उसे दिनों दिन कमजोर बनाता जा रहा है, और ऐसा ही चलता रहा तो टोनी बहुत जल्द मर जाएगा। दरअसल वो आर्क रिएक्टर एक पैलेडियम नाम के एक तत्व से चलता था जो कि आर्क रिएक्टर में पावर जनरेट करता था, पर उसी पैलेडियम की वजह से ही उसके शरीर में जहर फैलता ही जा रहा था, और ऐसा कोई दूसरा तत्व नहीं था जो पैलेडियम की जगह ले सके और आर्क रिएक्टर को चला सके। टोनी ने आर्क रिएक्टर बनाया था अपने सीने के अंदर घुसे हुए लोहे के टुकड़ों को अपने दिल तक जाने से रोकने के लिए जिससे वो जिंदा रह सके, पर अब वही आर्क रिएक्टर उसे मार रहा था और उसके आयरन सूट की वजह से उसकी पॉइजनिंग और भी ज्यादा बढ़ जाती थी। पर टोनी ने अपनी इस प्रॉब्लम को किसी को नहीं बताता है, और अब टोनी समझ चुका था कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा और जल्द ही मर जाएगा। इसी टेंशन की वजह से वो अजीब सी हरकतें करना स्टार्ट कर देता है। वो अपनी असिस्टेंट पेपर पॉट्स को अपनी कंपनी का मालिक बना देता है और वो अपने लिए नई असिस्टेंट रख लेता है। एक दिन टोनी स्टार्क एक कार रेस में भाग लेता है, पर उसी रेस में अचानक से इवान वनको टोनी की कार के सामने आ जाता है। उस वक्त उसने अपना बनाया हुआ सूट पहन रखा था और वो टोनी की कार पर हमला कर देता है, पर टोनी बच जाता है। फिर टोनी अपना आयरन सूट पहनता है और दोनों के बीच फाइट होती है, और टोनी अपने आयरन सूट की मदद से इवान को हरा देता है। पर टोनी नोटिस करता है कि इवान ने भी आर्क रिएक्टर जैसा ही एक डिवाइस अपने सीने पर लगा रखा है। ये भी सेम उसी टेक्नोलॉजी से बना था जिससे आयरन मैन का आर्क रिएक्टर बना था, पर टोनी इवान के आर्क रिएक्टर को तोड़ देता है। उस टाइम पर टोनी स्टार्क का बिजनेस कॉम्पिटिटर जस्टिन हैमर भी टीवी पर आयरन मैन और इवान की इस फाइट को देख रहा था। जस्टिन टोनी से चिढ़ता था, इसलिए वो टोनी को खत्म करना चाहता था, पर अब वो समझ गया था कि उसे क्या करना है। इसके बाद टोनी जेल में इवान वनको से मिलने जाता है। तब उसे वनको की असलियत पता चलती है, पर यहाँ टोनी एक गलती कर देता है। वो वनको को उसके आर्क रिएक्टर की कमियां और उसे सही करने का तरीका बता देता है। अब कुछ टाइम बाद जस्टिन हैमर इवान वनको के एक डुप्लीकेट का इस्तेमाल करता है और उसे वहां से छुड़वा लेता है और उसके डुप्लीकेट को जेल में ही मरवा देता है, जिससे सभी को ये लगे कि इवान वनको जेल में मर गया और उसे कोई न ढूंढे।
फिर इवान वनको को जस्टिन हैमर के सामने लाया जाता है। वो उसे अपनी कंपनी में रख लेता है ताकि वो उसकी मदद से आयरन मैन की तरह के सूट बनवा सके और उन्हें वो अमेरिकन गवर्नमेंट को बेच सके। अब अगले दिन टोनी अपने बर्थडे के दिन अपने घर पर एक पार्टी रखता है। उस पार्टी में उसने अपना आयरन सूट पहन रखा था और उसने बहुत सारी शराब पी रखी थी। उस वक्त वहां टोनी का दोस्त रोडी भी आ जाता है। वो टोनी की ऐसी हरकतें देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। तब वो नीचे टोनी के बेसमेंट में जाता है और वो टोनी का एक पुराना सूट पहन लेता है और वो उस पार्टी में आ जाता है और फिर उन दोनों में एक छोटी सी लड़ाई होती है, पर टोनी नशे में होने की वजह से वो रोडी को हरा नहीं पाता है और फिर लास्ट में रोडी टोनी का वो सूट अपने साथ ले जाता है। वैसे तो टोनी की मर्जी के बिना उसका आयरन सूट कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था, पर टोनी को अंदाजा हो गया था कि वो जल्द ही मरने वाला है, इसीलिए उसने रोडी के लिए अपने सिक्योरिटी सिस्टम को बंद कर दिया था। इसी वजह से रोडी उस सूट को पहन सका और इस्तेमाल कर पाया। अब रोडी उस सूट को पहनकर आर्मी फैसिलिटी में चला जाता है। उसके सूट को देखकर यूएसए आर्मी के बड़े अधिकारी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि रोडी की वजह से गवर्नमेंट को आयरन सूट मिल गया। फिर आर्मी वाले जस्टिन हैमर को बुलाते हैं और उससे इस सूट को अपग्रेड करवाते हैं और वो इस नए आर्मर को नया नाम देते हैं, वॉर मशीन आर्मर। अब अगले दिन निक फ्यूरी टोनी से मिलने आते हैं। इससे पहले हमने निक फ्यूरी को आयरन मैन के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। अब टोनी और निक फ्यूरी एक रेस्टोरेंट में बैठकर बातें करते हैं। तब निक फ्यूरी टोनी को बताते हैं कि तुम्हारी जो नई असिस्टेंट है असल में वो एक जासूस है और वो मेरे लिए काम करती है। इसका असली नाम है नताशा रोमनोफ। निक फ्यूरी ने नताशा को टोनी पर नजर रखने के लिए भेजा था क्योंकि वो काफी सारी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। निक फ्यूरी टोनी की पैलेडियम पॉइजनिंग के बारे में जानते थे और वो टोनी को उससे बचाना चाहते थे। अगले सीन में निक फ्यूरी टोनी के साथ उसके घर पर ही था और वो उसे बताता है कि टोनी के पिता हार्वर्ड स्टार्क शील्ड के फाउंडिंग मेंबर में से एक थे। शील्ड के पास हार्वर्ड स्टार्क का कुछ सामान था जिसे वो टोनी को दे देते हैं। उन सामानों में एक वीडियो कैसेट भी था जिसमें टोनी के पिता हार्वर्ड स्टार्क ने कुछ रिकॉर्डिंग करके रखी थी। टोनी उस रिकॉर्डिंग को देखता है और उसे उसमें एक सीक्रेट मैसेज मिलता है जिससे उससे पता चलता है कि उसके पिता ने जब बड़ा आर्क रिएक्टर बनाया था तो उसके साथ उन्होंने एक नया एलिमेंट भी डिजाइन किया था जिससे आर्क रिएक्टर चल सके, पर टेक्नोलॉजी की कमी के चलते वो उस एलिमेंट को नहीं बना पाए थे और इसीलिए उन्होंने आर्क रिएक्टर को चलाने के लिए पैलेडियम का इस्तेमाल किया था। पर हार्वर्ड स्टार्क जानते थे कि एक दिन उनका बेटा इस एलिमेंट को बना पाएगा, इसीलिए उन्होंने उस एलिमेंट का एटॉमिक स्ट्रक्चर अपने एग्जीबिशन डिजाइन के रूप में छिपाकर रखा था। अब टोनी पेपर से मिलने ऑफिस जाता है क्योंकि अब पेपर ही पूरी स्टॉक इंडस्ट्रीज को संभाल रही थी। पेपर से मिलने के बाद टोनी वहां से अपने पिता के बनाए एग्जीबिशन डिजाइन को उठाकर अपने घर ले आता है और जाविस की मदद से उस डिजाइन को समझने की कोशिश करता है और टोनी को उस एलिमेंट का स्ट्रक्चर समझ आ जाता है और वो बहुत खुश होता है और अपने पिता को याद करता है। अब टोनी उस नए एलिमेंट को बनाने में लग जाता है। तभी वहां फील कोल्सन आता है। आपने फील कोल्सन को आयरन मैन 1 में भी देखा था। वह निक फ्यूरी के लिए ही काम करता है। फील कोल्सन टोनी को बताता है कि उसे कहीं जाना है। अब उसे नया काम दिया गया है और वो वहां से चला जाता है। फिर टोनी अपने काम में लग जाता है। अब टोनी उस नए एलिमेंट को बना लेता है और उसे अपने आर्क रिएक्टर में फिट कर देता है और उसे अपने चेस्ट में लगा लेता है जिससे उसकी पॉइजनिंग खत्म होने लग जाती है। अब दूसरी तरफ हैमर इंडस्ट्रीज में इवान वन को टोनी के बताए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उस आर्क रिएक्टर को बेहतर बना लेता है और वो एक नया सूट भी बनाता है। पर जब इवान वन को टोनी को फोन करके धमकी देता है तो टोनी समझ जाता है कि वो जस्टिन हैमर के साथ मिलकर काम कर रहा है। अब एक इवेंट के दौरान जस्टिन हैमर अपने रोबोटिक ड्रोन और वॉर मशीन का अपग्रेडेड सूट दिखाता है जिन्हें देखकर पब्लिक बहुत खुश होती है। तभी आयरन मैन भी वहां पर आ जाता है और रोडी को सच्चाई बताने की कोशिश करता है, पर तभी इवान वन को उन रोबोटिक ड्रोन और वॉर मशीन के सूट को हैक करके आयरन मैन पर हमला करने का आदेश देता है। अब टोनी उन रोबोट्स को वहां से दूर ले जाकर उन्हें खत्म करने की कोशिश करता है ताकि वहां मौजूद आम लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे। वॉर मशीन भी अपने सूट पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वो भी टोनी पर हमला कर रहा था। उसी टाइम पर पेपर जस्टिन हैमर को गिरफ्तार करवा देती है क्योंकि यह सब उसी की वजह से हो रहा था।
फिर नताशा रोमन ऑफ टोनी के सिक्योरिटी हेड हैप्पी के साथ गाड़ी में बैठकर इवान वनको को पकड़ने के लिए जस्टिन हैमर की कंपनी में जाती है। वहां कुछ लोग नताशा पर हमला कर देते हैं, पर नताशा एक ट्रेन जासूस थी। उसे सभी तरह की फाइट स्किल्स और हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी, पर वो वहां से भाग जाता है। तभी वहां मौजूद कंप्यूटर की मदद से नताशा रोडी के सूट को ठीक कर देती है, जिससे अब रोडी का कंट्रोल वापस अपने सूट पर हो जाता है। और फिर टोनी और रोडी दोनों मिलकर उन रोबोट्स को मारने लगते हैं। तभी वनको वहां आ जाता है और वो टोनी और रोडी से लड़ने लगता है, पर रोडी और टोनी दोनों मिलकर उसे हरा देते हैं। पर अब वो टोनी को मारने के लिए सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड शुरू कर देता है, यानी कि जितने भी रोबोट्स थे वो फट जाएंगे। पर टोनी और रोडी समझ जाते हैं और वो वहां से उड़ जाते हैं और वो सभी रोबोट्स फटने लग जाते हैं। और उसी ब्लास्ट में इवान वनको भी मारा जाता है। अब उस इवेंट वाली जगह पर पेपर के पास में भी एक रोबोटिक ड्रोन होता है और वो फटने ही वाला था। इतने में आयरन मैन उसे वहां से लेकर उड़ जाता है और एक छत पर ले जाता है। तब पेपर टोनी की हरकतों की वजह से बहुत गुस्सा होती है, पर टोनी उस टाइम पर ही पेपर से अपने प्यार का इजहार कर देता है और रोडी भी उनके मजे लेकर वहां से सूट लेकर उड़ जाता है। फिर लास्ट में निक फ्यूरी टोनी से मिलते हैं एवेंजर्स इनिशिएटिव के बारे में बात करने के लिए। तब फ्यूरी टोनी को बताते हैं कि वो आयरन मैन को एवेंजर्स में शामिल करते हैं, पर टोनी को नहीं, क्योंकि उसका बर्ताव बहुत ज्यादा बेकाबू है और वो अभी तैयार नहीं है। फिलहाल उसे सिर्फ शील्ड का सलाहकार बनाया जाता है। फिर टोनी मान जाता है और फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें फील कोल्सन दिखाया जाता है। वो गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा था। आपको याद होगा जब टोनी नया एलिमेंट बना रहा था, तब उसने कहा था कि अब उसे नया काम दिया गया है। फिर फील कोल्सन एक जगह आकर अपनी गाड़ी रोकता है और वो देखता है एक खाली जगह पर एक हथौड़े को। ये हथौड़ा है थोर का और इसकी कहानी दिखाई गई थी थोर मूवी में। तो ये कहानी थी आयरन मैन 2 की। अगर आपको यह मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगली बार फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।